हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम या फिर डीजे हो, अगर उसमें बेस नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एरोस की तरफ से नया डबल 21 इंची का पैसिव सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर है SUB 821। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम सब 821 इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। ये डबल 21 इंची पैसिव सबवूफर है। इसका RMX पावर 3600 वॉट है, पीक पावर 7200 वॉट है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 31 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक है। इस बेस का इम्पीडेंस जो है 4 ओम है। इस बेस का पंच और वाइब्रेशन लॉन्ग थ्रो पे भी मिलता है और बेस के नज़दीक यानी फ्रंट साइड में भी मिलता है। ये बेस आप इंडोर इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर इवेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीजे हो गया, लाइव या फिर FOH के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेस से आप मीडियम लेवल इवेंट से लेके लार्ज लेवल इवेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए इस बेस का हम आपको क्लोज लुक दिखाते हैं। इस बेस के लिए हाई क्वालिटी बर्च प्लाईवुड यूज़ हुआ है और पॉलीयुरा पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम आपको इस बेस की फ्रंट साइड दिखाते हैं। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं ये बेस की ग्रिल है। ग्रिल बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है और ग्रिल के ऊपर आप देख सकते हैं दोनों तरफ एरोस का ब्रांडिंग लोगो है। अभी हम आते हैं ऊपर की तरफ। ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स इन्हें स्टैकिंग होल्स कहते हैं। कोई भी इवेंट या प्रोग्राम में सेम बेस एक के ऊपर एक स्टैक करते वक्त आपको ये होल्स यूज़ होंगे। अभी हम आते हैं साइड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस को लोडिंग और अनलोडिंग करते वक्त आसानी हो, इसके लिए बेस के दोनों तरफ 4-4 यानी पूरे 8 हैंडल दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हैंडल की जो दोनों साइड्स है, वहाँ पर एक साइड में स्टैकिंग होल्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ बफर दिए गए हैं। ये बेस आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आते हैं पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड में 4 कॉर्नर में टाइगर नट लगाए हुए हैं। टाइगर नट की जगह पे आप चाहो तो व्हील भी लगा सकते हैं। व्हील लगाने से बेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते वक्त आसानी होगी। ये है स्पीक ऑन प्लेट। ये स्पीक ऑन प्लेट एल्यूमिनियम की है। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की स्पीक ऑन प्लेट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जल्दी जंग ना पकड़े और जल्दी ख़राब ना हो, लॉन्ग लाइफ चले, इसी कारण हम एल्यूमिनियम की स्पीक ऑन प्लेट इस्तेमाल करते हैं। स्पीक ऑन प्लेट पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि बेस का मॉडल नंबर, बेस की RMX पावर कितनी है, बेस की पिक पावर कितनी है, इम्पीडेंस कितना है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, और तो और उसी के साथ साथ स्पीक ऑन कनेक्टर में किस तरह की वायर कनेक्शन करनी है वो भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फीमेल स्पीक ऑन कनेक्टर, जो कि जिंक अलॉय के है, प्लास्टिक के नहीं है। तो आइए हम आपको सब 821 का इंटरनल व्यू दिखाते हैं। आपको इंटरनल व्यू अच्छे से देखे इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे इसका फ्रंट ग्रिल जो है निकाल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, पेंट भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अभी आप हमसे पूछेंगे कि सर इसमें स्पीकर कैसे लगाया है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्पीकर कैसे लगाया है। अंदर स्पीकर किस तरह से लगा हुआ है ये हम आपको दिखाने के लिए, ये जो बैक पैनल है स्पीक ऑन प्लेट जिसके ऊपर लगी हुई है टाइगर नट्स के साथ, ये हम ओपन कर रहे हैं। ये हमने अभी पैनल ओपन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इंटरनल लुक
ये लोग आप देख सकते कि इतने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किसी भी तरीके का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। पेंट भी आप देख सकते हैं अंदर से लेके बाहर तक पूरी अच्छी तरीके से किया गया है। ये दो स्पीकर कुछ इस तरह से लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्पीकर वायर है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, यानी कि हाई क्वालिटी की और अच्छी गेज की जो है यूज़ की हुई है। कुछ इस तरह से ये इंटरनल डिज़ाइन किया गया है। सब 821 इस बेस में अराउंड के 21 इंची के दो स्पीकर लगे हुए हैं, जिसका मॉडल नंबर है 21SW152। इस स्पीकर के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। हमने आपके सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।